नमस्ते, मेरे चैनल आरोग्य भाई प्रीति में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, फोकस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डेडिकेशन के साथ कोई काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। इसमें आपको फीट में डिस्टेंस करना है शोल्डर के बराबर, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और पूरा हाथों को स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे अपनी फीट पे आना है और आंखों को एक दृष्टि रखना है। आपको बैलेंस बनाना है इसमें। अगर आपने आंखों को इधर उधर किया, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे एक पॉइंट पे, तो आपका बैलेंस चला जाएगा। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं 10-20 टाइम्स होल्ड करिए, वापस आइए और एक बार करिए। इस तरीके से आप इसको 3-5 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्षासन। इसमें आपको फीट को रखना है अपने सेकंड लेग थाइस पे और हाथ को हार्ट के पास। एक बार जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाए। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करना है, लेकिन कई लोग इसमें बैलेंस नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स हैं या ओवरवेट हैं, तो वो हल्का सा पैर ऐसे भी रख सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, ऐसे नहीं रखना है पैर को। यहाँ पे फीट आपका दूसरे पैर पे हो, ऐसे पैर को सामने नहीं रखना है। और दूसरी बात ध्यान देनी है कि नी पर आपको पूरा प्रेशर नहीं देना है। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, या इस तरीके से जहां भी कंफर्टेबल हो रखे, बट नी के पास आपको बिल्कुल नहीं रखना है और पैर ऐसे फ्रंट पे नहीं होना है। साइड में रखेंगे और एक पॉइंट पे ध्यान लगाएंगे। अगर जिससे नहीं बनता वो शुरू में बॉल के सपोर्ट से भी कर सकता है। धीरे धीरे हैबिचुअल होते जाएंगे तो अच्छा होता जाएगा। थर्ड है नटराज आसन। इसमें आपको क्या करना है, शुरू में बैलेंस नहीं बनता है तो आप वॉल की सपोर्ट ले सकते हैं। पैर फोल्ड करिए और इस तरीके से एक पॉइंट पे देखिए। जब आपका बैलेंस बनने लगे तो कैसे करना है आपको, इस तरह से पैर होल्ड करिए, हाथ स्ट्रेट, थोड़ा सा बेंड करिए हाथ को, एक पॉइंट पे फोकस करिए, रिलैक्स। आप 10-20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक होल्ड करिए और 2-3 टाइम्स तक इसको रिपीट करिए। फोर्थ है गरुड़ आसन। इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा बेंड होना है, पैर को ऐसे ओवरलैप करना है और हाथों को ऐसे ओवरलैप करना है और होल्ड करके रखना है। जिनसे नहीं होता है वो हल्का सा पैर ऐसे करके भी रख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी हो या कोई भी, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से आना है, नीज को एल्बो पे रखना है, शोल्डर पे शिफ्ट करिए प्रेशर, एक लेग उठाइए, दूसरा उठाइए, होल्ड करिए, वापस आ जाइए। शुरू में आपको दिक्कत होगी, आप फेस के नीचे पिलो रख करके आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही और योगा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल आरोग्य भाई प्रीति को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।